हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिएक्शन गुरु। आई एम शैन, मेरे साथ है मिस्टर अली। अली। तो अली भाई, आज हम वीडियो देखने वाले हैं जिनका हमने पिछले वीक पे वीडियो किया था। रॉबिन लेमेचान ने, जो कि एक जिसे कहते हैं जर्नलिस्ट का, उन्होंने एक बिल्कुल जो एक रोल, प्रॉपर रोल होता है ना, वो अदा कर रहे हैं नेपाल में। और जिस तरह गोदी मीडिया नहीं है उस तरह बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक जैसा प्रॉपर जर्नलिस्ट होता है, एक नॉन बायस्ड, नॉन बायस्ड, और एक जो कहते हैं उसे लोगों की आवाज। लोगों की आवाज़ और सच्ची रिपोर्टिंग करना, वो काम ये करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने शायद अपना वो चेंज किया है, चैनल चेंज किया है, या उनकी एक लाइफ स्टोरी बनी हुई है इस डॉक्यूमेंट्री सी, कोई छोटी सी है, 10-1 मिनट की तकरीबन। तो वो इनके चैनल पे प्ले नहीं हो सकी क्योंकि वो चैनल छोड़ रहे थे। तो काफ़ी रिकमेंड हो रहा है कि इस वीडियो पर आप ज़रूर रिएक्ट करें। इनकी स्ट्रगल ऑफ जर्नलिज्म जो है उस पर हम रिएक्ट करते हैं, और पर्सनली मुझे काफ़ी फेवरेट है, हम पहले भी इनको देख चुके हैं। लेट्स सी। बनाउनेहरू मुख्य हुन्, बनेकाहरू मुख्य हुन् कि बनाउनेहरू मुख्य हुन्? यदि यो देशमा बनाउनेहरू मुख्य हुन् भने उनीहरू किन कहिल्यै यो देशको मुख्य समाचार बनेनन्? जनताको समाचार किन मुख्य समाचार बनेन? यही प्रश्नको उत्तरको रूपमा सुरु भयो कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। आज फलानु नेता फलानु देश जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले फलानु दिन फलानु फलानु काम गर्नुहुनेछ, फलानुसँग बसेर खानुहुनेछ, उहाँले नेपालमा आफ्नो काम फलानुलाई जिम्मा लगाउनु भएको छ। तर मुख्य समाचारले यसनेन, आफ्नो बच्चाको बोर्डिङको फिस तिर्ने पैसा किन्न आज एउटा जनताको छोराले आफूलाई बेचेको छ। जनताकी आवाज थी भाई। आज परदेश जाँदैछ, उसका परिवार 15 मिनेट हाँसेको सपना देख्न ऊ दिनको 15 घण्टा काम गर्नेछ। घरमा ऊ नभएका बेला उसको साटो समयमै घर फर्किदिने जिम्मा उसले घामलाई लगाएको छ। यदि यो देशमा बनाउनेहरू मुख्य हुन् भने उनीहरू किन कहिल्यै यो देशको मुख्य समाचार बनेनन्? राष्ट्रपतिको गलैँचा मुख्य समाचार बन्यो, तर परदेशमा मालिकको गलैँचामा झरेको नेपाली चेलीको आँसुले ठाउँ पाएन। यदि यो देशमा बनाउनेहरू मुख्य हुन् भने उनीहरू किन कहिल्यै यो देशको मुख्य समाचार बनेनन्? त्यसपछि हामीले निर्णय गर्यौं, हाम्रो कार्यक्रमको केन्द्रमा जनता र जनताका समस्या र दुःख देखाउने मात्रै छैनौं, बरु जनताले फेरि त्यही दुःख देख्न नपरोस् भनेर काम गर्नेछौ। अनि यसरी सुरु भयो सिधा कुरा जनतासँगको यात्रा। सुनिदिने कोही छ भन्ने थाहा पाएपछि सिन्धुपाल्चोकी हाम्री चेली कविता तामाङले इराकबाट हामीलाई सम्पर्क गरे। हाम्रो नेपालको दलालहरूले चाहिँ हामीलाई इराकको त्यो बागदादमा बेचेको रहेछ, कति 13,000 डलर लिएर सबैजना 16-16 घन्टा काम गर्नुपर्छ। आफ्नै अगाडि आफ्ना साथीहरूको बलात्कार भएको देखेर भत्किएकी कविताको स्वर सुनेर हामी भत्कियौँ। हामी 120 भन्दा बढी विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली चेलीहरूलाई नेपाल ल्याउन सफल भयौँ। त्यसपछि सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम नेपाली चेलीहरूका लागि माइती जस्तै भयो। अपने शोज में लाइव लेके तो एक लाख माग्दा 80,000 मात्र दियो, कति ऋण लागेछ तपाईलाई? मलाई अहिले 30 लाखको कागज। पहिले गरिबलाई ठगेर विदेश पठाउनेहरू भेटेका थियौँ, पछि गरिबलाई ठग्नका लागि विदेश पठाउनेलाई भेट्यौँ। पहिले गाउँमै ठग्ने मान्छे भेटेका थियौँ, पछि गाउँ नै ठग्ने मान्छे भेट्यौँ। 30 लाख लिएको, 30 लाख का कागज, 30 लाख बना दिल के कागज, खरीद बंदा कागज बना के दिया।
छोरीलाई बिहे गरी पठाउन ऋण दिने साहु भेटेका थियौं। 11 वर्षकी छोरीलाई उसँग सुत्न पठाउँदा ऋण मिनाहा गरिदिने साहु पनि भेट्यौं। मेरो छोरी छ, त्यो मेरो छोरीको हात समाते छन् यस्तो, आफ्नो छोरीको, अनि भन्छ नानी यही बस्नु अनि मम्मीको जति पैसा माग्यो भने म दिन्छु नि, यस्तो भनेको मेरो छोरीको। अवस्था सुधारका लागि आएकाहरूलाई आफ्नै पिसाब आफैलाई चाट्न लगाउने सुधार गृह भेट्यौं। 8 घन्टा 9 घन्टा पिसाब बिहान गरेर पिसाब थाम गर्छ, मेरो एकचोटि पिसाब चुहिएको थियो र त्यो पिसाब चुहिँदाखेरि चाहिँ अब तैँले यो पिसाब चाटिनुस् भने म तँलाई पिट्छु, यो पिसाब चाट्नुपर्छ भनेर मलाई आफ्नो पिसाब पनि चटा। दुर्वेशनीको एउटा रोगबाट सुधार गर्न राखिएकालाई तर्जनौ रोग लागुन्जेल शास्ति भेट्यौं। बाँच्न सिकाउनु पर्ने ठाउँमा मर्न मन लाग्ने अवस्था बनाइरहेको पीडा भेट्यौं। अन्डरवेयर, जुत्ता, मोजा धुनाउँछ र ल्याएपछि यसरी राख्नुपर्छ लिस्टमा है, किनभने कपडा हरायो नि पछि बाटा खानु पऱ्यो नि त, होइन त्यस्तो हुन्छ यहाँ। त्यसपछि देशभरका सुधार गृहको संरचना सुधारका लागि गृह मन्त्रालयले सर्कुलर नै जारी गरेको थियो अनि यातना दिने सुधार गृह बन्द भएका थिए। गृहले जुन किसिमको व्यवहार चाहिँ दुर्वेशनी अथवा त्यहाँ राखेका विद्यार्थीहरूलाई गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुसारको व्यवहार नगरेको हुनाले अहिले नयाँ आचार संहिता अनुसार अमानवीय व्यवहारमा उनीहरूलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 चाहिँ रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। आबुधाबीमा बलात्कारपछि आत्महत्या गरेकी नेपाली चेली अष्टमी गुरुङको आत्महत्या गर्नु भिडियो प्राप्त भयो। अब आउने छोरीलाई पर्खिरहेकी आमालाई भेट्न हामी उनको घर आमालाई सुखैसित राख्ने, आमालाई म धन गमाएर दिने, पैसा गमाएर तिमीलाई सुखैसित राख्ने, राम्रो लुगा लगाइदिन्छु, कहाना लगाइदिन्छु भन्ने छोरी म उनको न्याय ये काम पॉलिटिशियंस को होना चाहिए एरिया के लोगों के घर आके इस तरह से काम करती हूँ हम यहाँ एक्शन पार्किंग कर सूं छोरी बचाउन नसकेपछि वहाँहरुमा हाम्रो पनि कोही छ भन्ने आशा बचाउने प्रयास गर्यौं। विकट ठाउँ र विपन्न परिवारका मान्छेको मनमा आड बचाउने प्रयास गर्यौं। कतिचोटि त हामी कति भाग्यमानी भयौं, नेपाली आमा र कश्मीरी पिता भएकी छोरीले जम्मू कश्मीरबाट आफू सानै हुँदा छुटेकी आमा खोज्दै नेपाल आइन्, हामीले उनका बारेमा कार्यक्रम बनाउन पायौं र आमा छोरीको भेट गराउन पायौं। सीमाले छुट्याउँछ, हामीले सीमाहरूलाई जोड्न पायौं। भाई क्या क्या काम किए इन्होंने अपने शो के थ्रू, और लोग जो है ना हमारे यहाँ भी न्यूज़ चैनल बल्कि सभी जगह पे ऐसे करते हैं जैसे TRP के लिए या तो सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन या मतलब ऐसी न्यूज़ के पीछे ही रहते हैं जो मिर्च मसाले वाली हो। असल काम न्यूज़ एंकर्स और इनका यही होना चाहिए जो फील्ड लोगों की आवाज़ बने यार, उनकी मदद करें ना कि इनको तो अब TRP देखो लोग इसलिए पसंद करते और देखते भी होंगे इनका शो खोल के, स्पेशली कि आज कुछ इसमें मतलब ऐसा आने वाला है कि उससे हमें कुछ नया पता चलेगा, स्टोरी पता चलेगी किसी के बारे में, तो लोगों का माइंड बना दिया इस बारे में। शोज हम देख रहे हैं ना, मतलब हर किस्म के लोगों के प्रॉब्लम इन्होंने ना सिर्फ हाईलाइट किया बल्कि सॉल्व भी कराए हैं, दैट इज द मेन थिंग। तो हाईलाइट तो कोई भी कर सकता है और जर्नलिस्ट का काम भी ये होता है हाईलाइट, लेकिन वो खुद मुझे इकरारुल हसन की तरह वो जैसे वो प्रॉब्लम लोगों के लेके पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है वो भी इस तरह सॉल्व करता है, तो ये राबीला में जाने से भी आई एम सुपर इम्प्रेस्ड और
होप के आगे जो भी करें अच्छा करें अपने और कंट्री के कुछ लिए नहीं तो अपने वतन हमारे के आज लिए। आजकल यहाँ पे एंकर ने जैसे स्टार्ट कर दिया यूट्यूब चैनल्स बनाकर, तो आप उनका तो मतलब मीडिया से भी ज़्यादा उनके फॉलोअर्स यहाँ पर होते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। होपफुली इनके होंगे भी इस तरह के जाहिर कॉन्टेक्ट, बात है इनका इतना तो बड़ा नाम है यस, तो किसी तो और इंडस्ट्री में कोई जाएंगे इशू नहीं होगा इनको उस तरह का। तो लेकिन बेस्ट विशेज हमारी तरफ से जहाँ भी ये जिस भी चैनल में जाएंगे या जो भी काम करेंगे, बस इसी तरह का काम करते रहें ताकि लोगों की सपोर्ट मिलती रहे। फिर आज के लिए इतने ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।